ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमः हम मते नमो रम रमाय नमः हम माते श्री नमो नमः हम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। अप्रैल महीना कन्या राशि का मासिक राशि फल विचार करें, उससे पहले आप लोग जो लोग भी मुझे कुंडली विश्लेषण कर लिए दे रहे हैं, कुंडली के साथ अपने कोशिश करके आपके घर का वास्तु का डायग्राम थोड़ा सा भेजिएगा, किस जगह में आपका कौन सा रूम है, क्या कलर है, थोड़ा सा इतना बताइए। कभी कभार कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, वास्तु में प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, आपका नाम का डिटेल देंगे और जो भी जितने भी मोबाइल नंबर रखे हो, ताकि आपका न्यूमरोलॉजी का भी मैं देख सकूँ कि कहाँ वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों के साथ और हाथ का फोटो आगे पीछे, कपाल का फोटो और पैर का फोटो, तभी आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, वेदर न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है या वास्तु का प्रॉब्लम है या समुद्र विज्ञान यानी हस्तरेखा का प्रॉब्लम है, इन एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है ये समझने के लिए, तो जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं उनको मेरा ये अनुरोध है। चलिए, कन्या राशि सबसे पहले कैसा रहेगा ये महीना, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी। कन्या राशि का सबसे पहला उत्तरा फाल्गुनी कन्या, हस्ता कन्या, चित्रा कन्या, तो पहले नक्षत्र के वाइज किसको क्या फल मिलने वाला है, सबसे पहला बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि के लिए। ये महीना आपके लिए फल मध्यम रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। शरीर स्वस्थ रह सकता है 70%, मन में दुख और शोक थोड़ा सा बढ़ेगा, आय मध्यम धरण होने वाला है, विवादीय इत्यादि क्षेत्र में संभवत जीत नहीं दिखाई दे रहा है, संबंध टूट सकता है, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है, संबंध और संपर्क में थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रहा है और पारिवारिक जीवन में विच्छेद और विषाद योग कन्या राशि का कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रहा है, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, छात्रों का पढ़ाई क्षेत्र में उतना ज्यादा सफलता नहीं है, लेकिन जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं खेल कूद में ढेर सारे सफलता दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद कन्या राशि और हस्ता नक्षत्र का बात कर लेते हैं। हस्ता नक्षत्र के लिए नक्षत्र फल क्या दिखाई दे रहे, यह महीना थोड़ा सा सतर्क रहें, रास्ता में गाड़ी देख के चलाएं, कुछ समस्या हो सकता है, कर्म क्षेत्र में अपमान हो सकते हैं, व्यय यानी नुकसान का संभावना ये महीना दिखाई दे रहा है, शरीर स्वस्थ रहने से भी थोड़ा महत छुटपुट रह सकता है, परिवार में सामान्य अशांति दिखाई देगा, नए कर्म क्षेत्र संस्थान प्राप्ति का योग है, छात्र और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यह महीना नहीं कहा जाएगा। कन्या राशि चित्रा नक्षत्र का थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्या राशि चित्रा नक्षत्र कर्म क्षेत्र में कर्म शिथिल होगा, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे, शरीर मन उत्तम दिखाई दे रहा है, अच्छा रहेगा, आय यानी इनकम इस महीना के अंत में थोड़ा सा घट सकते हैं, व्यय खर्चा बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र में सुसंवाद मिल सकता है, मन आपका सुदृढ़ और मनबल मजबूत रहेगा, व्यवसाय में इंडिपेंडेंट निर्णय लेंगे और कई सारे तनाव से मुक्त होंगे, छात्र छात्री पढ़ाई के क्षेत्र में उत्तम सफलता दिखाई दे रहा है। ये था तीन नक्षत्र का बात। अब बात करते हैं सीधा कन्या राशि तारीख वाइज। 1 और 2 तारीख को उच्च सम्मान लाभ प्राप्ति, 3-4 वाद विवाद में असंतोष, 5 और 6 ओवर थिंकिंग और किसी ना किसी के द्वारा धोखा, मान हानि इत्यादि के सम्मान में हानि का संभावना, 7, 8, 9 शत्रु का नुकसान, शत्रु से क्षय, कार्य सफलता दिखाई दे रहा है, 10 और 11 बंधु मिलन, नया दोस्त मिल सकते हैं, सुख संतोष से दिन जाएगा, 12-13 शारीरिक पीड़ा अर्थाभाव, 14-15 सेवा पूजा उपकार परोपकार में मन जाएगा, 16-17 कार्मिक लोड बढ़ सकता है, चंचल रहेंगे लेकिन उच्च सम्मान का प्राप्ति है, कहीं 18-19 धन लाभ और आनंद, 20-21-22 मन चंचल, 23-24 मन में एक स्वाधीन भाव, 25-26 आशावादी और कई जगह में आपको अनुरोध करना पड़ सकता है, 27-28-29 किसी ना किसी दिन सम्मान प्राप्ति, अच्छे मान सम्मान प्राप्ति, 30 हार, शत्रु का भय, चिंता और अशांति और तनाव।
तो ये था अप्रैल का महीना का कंडीशन। अब हम लोग ग्रह स्थिति के अनुसार कन्या राशि लग्न में एक नंबर में केतु बैठे हुए हैं और आपसे सारा प्लैनेट यहाँ पर छठा स्थान में शनि, शुक्र और मंगल बढ़िया है, शत्रुघ्न तक योग है लेकिन तनाव दे देगा और कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या बिल्डअप कर सकता है। सप्तम स्थान कन्या के मीन के घर में यहाँ राहु, सूर्य और बुध जड़ बुद्धि लगा के आगे पीछे हो जाएंगे, शुक्र भी आगे चले जाएंगे आपके सप्तम में इस महीना का, तो आगे की ओर जा रहे हैं और बुध यहाँ से आके फिर बकरी आ रहे हैं। अष्टम स्थान में बाधा स्थान में, मृत्यु स्थान में, चोर चपेट एक्सीडेंट के स्थान में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो ये इस महीना का ग्रह स्थिति फल, एक तरफ कंप्लीट डिसबैलेंस कंडीशन चाह रहा है। अब हम लोग यहाँ पर छत्र योग भी बन रहा है कि ये जो छत्ता का नीचे का हाथ और ये सारे प्लैनेट उल्टा तरफ बैठे लगे हुए हैं, एक तरफ ज्यादा भार है और एक तरफ कम भार है, तो महीना ऐसे ही एक कंडीशन बिल्डअप कर रहा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य यहाँ पर ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, एब्सोल्युटली 70% हेल्थ का कंडीशन। मानसिक हेल्थ तनावपूर्ण रह सकता है, केतु यहाँ चल रहा है तो नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, तो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक स्थिति अपने से परिवर्तित देगा। धन का स्थिति का चिंता इस महीना कोई खास नहीं है, लेकिन गुरु जाने के बाद थोड़ा सा धन का चिंता बिल्डअप हो सकता है। इस महीना पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र बंधु का बात अगर निर्णय करते हैं तो यहाँ शनि मंगल का दृष्टि है, धोखा और विच्छेदात्मक परिस्थिति बिल्डअप हो सकता है, लेकिन एनर्जी बहुत टॉप दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन माता सुख मन का कोई चिंता का विषय नहीं है, गुरु का दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ से हटने के बाद थोड़ा सा इस क्षेत्र में समस्या दिखाई दे सकता है। जमीन जायदाद का मैटर है तो जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कर दीजिए, गुरु का यहाँ परिवर्तन होने के बाद फिर ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव कंडीशन पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रेम प्यार एजुकेशन छात्र जब मंत्र संतर सिद्धि, यहाँ ये अभी के लिए कन्या के लिए बड़ा सपोर्टिव दिखाई दे रहा है, सफलता दिखाई दे रहा है, अच्छा रिजल्ट करने का संभावना यहाँ पर ग्रह स्थिति के अनुसार दिखाई दे रहा है। सप्तम स्थान नॉट गुड कंडीशन है, दाम्पत्य जीवन सप्तमाधिपति अष्टम में, दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक समस्या और यहाँ पर राहु बैठना, सूर्य बैठना, ग्रहण लगना, ढेर सारे कन्या राशि वालों का विच्छेदात्मक परिस्थिति बन सकता है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा बैठ सकता है, वाद विवाद मतांतर मनांतर हो सकता है, झगड़ा इत्यादि बन सकता है। थोड़ा सा बैकफुट में सावधानी से नमस्कार करके अपने को समझा के रहिए वरना डेस्ट डेस्ट डेस। भाग्य का बात करते हैं तो इस महीना भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा कन्या राशि के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, शुक्र खुद गृह युद्ध में पड़े हुए हैं और उतना ज्यादा मूवमेंट यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। लाभ का बात करते हैं, लाभाधिपति का भी हालत यहाँ निचस्त बन के बैठे हुए हैं तो उतना ज्यादा लाभ भी यहाँ पर बिल्डअप नहीं हो रहा है और लग्नाधिपति खुद निचस्त होकर अपने से अष्टम और सप्तम का गोचर में रहेगा तो रोग तो बताता ही है, इसलिए सावधान रहने का आवश्यकता है। और बकरी मार्गी का कंडीशन जब होता है तो आपके लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल तो होता ही है, इसलिए यह महीना थोड़ा सावधानी के साथ कन्या वालों के लिए जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।